वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे आई विल डिस्कस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ पैरेलल इकोनॉमी। आज जो है ना, हम पैरेलल इकोनॉमी की ग्रोथ के जो इश्यूज हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उनको हम डिस्कस करेंगे। पैरेलल इकोनॉमीज आल्सो नोन एज इनफॉर्मल एज शेडो इकोनॉमीज। ये जो पैरेलल इकोनॉमीज हैं बड़े, ये जिन्हें गैर रस्मी या शेडो इकोनॉमी भी कहा जाता है। इन माशी जो एक्टिविटीज़ हैं बड़ी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ना, उसका हवाला देते हैं जो किसी कंट्री के बाकायदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बाहर होती है। ये एक्टिविटीज़ अक्सर टैक्स, लेबर, मजदूरी के जवाबत और दीगर हुकूमती निगरानी से बच जाती है। अगरचे जो पैरेलल इकोनॉमीज हैं, इसमें रोज़गार और आमदनी पैदा करने के मौके फ्राहम कर सकती है, वो बहुत से माशी मसाइल को भी जन्म देती है, जिसमें हम फर्स्ट में देखेंगे टैक्स इवेजन एंड रेवेन्यू लेस लॉस। इसमें टैक्स चोरी और मसूलत का जो नुकसान है, लॉस हो रहा है रेवेन्यूज का। इसमें जो पैरेलल इकोनॉमीज हैं, टैक्स चोरी पर परवान चढ़ती हैं, क्योंकि शर्का जो है अक्सर आमदनी को कम रिपोर्ट करते हैं या मुकम्मल तौर पर टैक्स के निज़ाम से बाहर काम करते हैं। ये गवर्नमेंट्स को इंतहाई ज़रूरी टैक्स रेवेन्यू से महरूम कर देता है, जिससे जो ज़रूरी अवामी खिदमात होती हैं, पब्लिक सर्विसेज जैसे जो कि तलीम हो गई, एजुकेशन वगैरह, हेल्थ की देखभाल हो गई और बुनियादी ढांचे को फंड देने की इनकी सलाहियत को नुकसान पहुंचता है। सेकंड पे है अनफेयर कंपटीशन, जो गैर मुनसफाना मुकाबला है पड़ा। इसमें जो पैरेलल इकोनॉमी है पड़े, इसमें काम करने वाले जो कारोबार अक्सर टैक्स और रेगुलेटरी तहमील से ग्रेज करके रस्मी कारोबार को कम करते हैं। इससे जो है ना, खेल का एक नामवार मैदान पैदा होता है। कानून जो है ना, उसकी पासदारी करने वाले अदारों को नुकसान पहुंचता है और मार्केट में जो है मुसाबकत ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है ना, इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, अदारों में एतमाद का जो ख़ात्मा हो जाता है। जो पैरेलल इकोनॉमी है ना, इसमें वसी पैमाने पर शिरकत से गवर्नमेंट जो है हुकूमती अदारों और कानून की हुक्मरानी पर एतमाद ख़त्म हो जाता है। जब अफराद ये समझते हैं कि रस्मी मीशत जो है इसमें इनके खिलाफ धांधली हुई है या वो इनकी ज़रूरियात को पूरा करने में नाकाम रहते हैं, तो वो गैर रस्मी चैनल जो हैं बड़े इसका रुख कर सकते हैं, जिससे जो है हुकूमती जवाब को मज़ीद नुकसान पहुँचता है। नेक्स्ट जो है पड़ा रिड्यूस्ड सोशल प्रोटेक्शन, कम समाजी तहफ़ात जो हैं पड़े। इसमें जो पैरेलल मुवेशते हैं ना, इकोनॉमी जो है ना, इसमें गैर रस्मी मुलाजमत में जो है ना, आम तौर पर सेहत की देखभाल, रिटायरमेंट के फवाइद और बेरोज़गारी इंश्योरेंस जैसे समाजी तहफ़ात का जो है ना फ़कदान होता है। इससे जो मजदूरों की इस्तेसाल माशी झटकों और गुरबत के जाल का सामना करना पड़ता है, जो गुरबत और अदम मसावत के जो है ना दौर को जारी कर रख सकते हैं ये। नेक्स्ट जो है ना, इम्पीडीमेंट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिफ्थ पॉइंट, इक्तसादी तरक्की की राह में जो रुकावटें हैं पड़े। तो इसमें जो पैरेलल इकोनॉमी है ना, वसाइल को पैदावारी, सरमायाकारी और इकतराज से हटाकर जो है ना, रस्मी इक्तसादी तरक्की इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट बन सकती है। तो गैर रस्मी इक्तसादी एक्टिविटीज जो है बड़े, इसका फैलाव, पैदावारी सलाहियत, मुसाबकत और लॉन्ग टर्म तरक्की के इम्कान को बेहतर बनाने की जो है ना कोशिशें जो हो रही होती हैं ना, उसको नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं वीकेंस फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना, मालियाती निज़ाम को कमज़ोर करता है। गैर रस्मी जो इक्तसादी एक्टिविटीज़ हैं पड़े, नकल लेन देन और गैर रस्मी कर्जे की सकाफत जो है ना, इसको फ़रोग देकर इसमें शफाकियत जो है उसको और मालियाती शमूलियत को कम करके जो है मालियाती निज़ाम को कमज़ोर कर सकता है। ये माली इस्तेकाम को फ़रोग देता है, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने और पैदावार इक्तसादी ग्रोथ जो होती है, तरक्की हो रही होती है, उसको तरक्की जो फ़रोग देने की जो है ना कोशिशों में जो कोशिशें कर रहे होते हैं लोग, उसमें रुकावट बन जाता है। सेकेंड लास्ट पे आता है इनइफेक्टिव रेगुलेशन एंड गवर्नेंस, गैर मुसर रेगुलेशन और गवर्नेंस। इसमें पैरेलल इकोनॉमी ऐसे माहौल में परवान चढ़ती है जिनकी खसूसियात जो होती हैं कमज़ोर जाब्ता और बदनवानी और गैर मुसर तरीका तर्ज हुक्मरानी है पड़े। गवर्नमेंट जो होती है ना, हुकूमतें कवायद जवाबत को नाफिज करने और टैक्स जमा करने के लिए जो है ना जद्दोजहद करती रहती हैं।
गैर रस्मी दौर को जारी रखती हैं और इकतसादी शफाकियत और जवाबदेही को फ़रोग देते हैं की कोशिश में जो है ना कमज़ोर रहती हैं। लास्ट पे हम देख लेते हैं सोशल एक्सक्लूजन एंड मार्जिनलाइजेशन, जो इसके समाजी और समाजी अखराज और पसमानदगी है। पढ़े इसमें जो पैरेलल इकोनॉमी है ना, मैशत में शिरकत अक्सर समाजी अखराज और पसमानदगी के साथ तल्लुक रखती है, क्योंकि बाज ग्रो ऐसे हैं जैसे तारकिन वतन जो हो गए, अकलीतें वगैरह हो गई, और गैर रस्मी शोबे की अफरादी कुवत को रस्मी मुलाजमत और इंतमाम जो होता है उसकी राह में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ये समाजी अदम मसावात को बढ़ाता है और जो जामे मुआशरा है उसकी तमीर की कोशिशों को रोकता है। ये जो पैरेलल मैशतों से वाबस्ता इकोनॉमी है उसके प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक कसीर जहती नुक्ता नज़र की ज़रूरत होती है। जो गैर रस्मी इकतसादी एक्टिविटीज जो होती हैं ना, उसको बाज़ाब्ता बनाने, टैक्स की तमील को बेहतर बनाने, लेबर्स के तहफ़ को मजबूत करने और गवर्नेंस को और अदारों जाती जो है ना सलाहियत को बढ़ाने के लिए हदफ शुदा पॉलिसियों को यकजा करती है। रस्मी इकतसादी शिरकत के लिए जो है ना एक काबिल माहौल को फ़रोग देने और गैर रस्मी के बुनियादी महरके जो होते हैं उसको निबड़ने के ज़रिए से जो है ना गवर्नमेंट पायदार इकतसादी तरक्की, समाजी शमूलियत और मुश्तरक खुशहाली को फ़रोग दे सकती है। जो पैरेलल इकोनॉमी है उसका वजूद जो है ना माशी चैलेंज जो होते हैं उसका एक पचीदा मजमूआ पेश करता है, जो रस्मी इकतसादी ढांचे को कमज़ोर करते हैं और मजमूई तरक्की को रोकते हैं। इसमें जो मुतवाजी मुआशरत होती है ना, जो पैरेलल इकोनॉमी है, उससे वाबस्ता बुनियादी खदशात में से एक टैक्स चोरी और महसूलात में कमी का मसला है। पड़े इन गैर रस्मी शोबों में हिस्सा लेने वाले जो अक्सर टैक्स के दायरे से बाहर काम करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना गवर्नमेंट जो होती है उसके लिए रेवेन्यू में नुमाया कमी होती है। टैक्स रेवेन्यू का यह नुकसान गवर्नमेंट्स के ज़रूरी अवामी जो खिदमात जैसे कि बुनियादी ढांचे की तरक्की, तलीम, सेहत की देखभाल के लिए फंड फराहम करने की सलाहियत को कमज़ोर करता है। इस तरह से जो है ना मजमू इकतसादी तरक्की और तरक्की को रोकता है। इसमें जो पैरेलल इकोनॉमीज जो है रस्मी मंडियों में भी गैर मुनसफाना मुसाबकत को फ़रोग देती हैं, गैर रस्मी तौर पर काम करने वाले कारोबार टैक्सों रेगुलेटरी तमील जो होती है उससे बचकर खेल का एक नाहमवार मैदान जो है ना बनाकर रस्मी कारोबार को काम कर सकते हैं। ये जो है ना गैर मुनसफाना मुकाबला जिद्दत को रोकता है और रस्मी शोबे में जो है सरमाकारी की हौसला शिकनी करता है, और इस तरह से मुआशी जो हरकियात वगैरह हो रही होती हैं और पैदावार तरक्की को रोक सकता है। ये मुआशी बिगाड़ के अलावा जो है ना पैरेलल इकोनॉमीज का फैलाव गवर्नमेंट्स के अदारों, हुकूमती अदारे जो होते हैं उस पर एतमाद जो है ख़त्म कर देता है, कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचाता है। जब लोग बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और रेगुलेटरी एहतसाब जब करेंगे तो एजी तनाव का जो मुशाहिदा करते हैं तो वो हुकूमती पॉलिसियाँ जो होती हैं इसके इंसाफ की पसंदी और तसीर पर जो एतमाद खो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है ना तमील में कमी आती है, जो मसला है ना मज़ीद ये बढ़ जाता है। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।